बात मजदूरों की करेंगे। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रेलवे की बदइंतजामी का जीता जागता उदाहरण बनकर रह गई हैं। बिहार में इसकी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में दो अलग अलग घटनाओं में ट्रेन से लौट रही महिला और एक मासूम की मौत हो गई, और जबकि गलत रूट की वजह से चल रही घंटों लेट हो रही ट्रेनों की वजह से परेशान मजदूरों का गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कैमूर और बाढ़ में सफर कर रहे मजदूरों ने जोरदार हंगामा कर दिया, तो समस्तीपुर में 4 दिन से सफर कर रही एक महिला को बीच सफर में ही उतार कर उसकी डिलीवरी करवानी पड़ी। ये देखिए, ये हालात हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई जा रही हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से जो बदइंतजामी है उसकी तस्वीरें न्यूज 24 आपको लगातार दिखा रहा है, जो कि मजदूरों की जान पर भारी पड़ रही है। तो रेलवे की लापरवाही बेतिया के एक परिवार को हमेशा के लिए दर्द दे गई है। परिवार दिल्ली से ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचा था और इन्हें दूसरी ट्रेन से अपने घर के लिए निकलना था। परिवार का आरोप यह है कि उन्हें रेलवे की तरफ से दूसरी ट्रेन आने की बार बार गलत इंफॉर्मेशन दी गई, गलत जानकारी दी गई, और इस चक्कर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बज गए, और इस दौरान परिवार ट्रेन का इंतजार करता रहा लेकिन ट्रेन नहीं आई। आखिरकार शाम 4 बजे भूख प्यास से बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप यह है कि भूख और गर्मी की वजह से बच्चे की मौत हुई है। ये देखिए कितना मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिस इन्फॉर्म परिवार को किया गया। गरीब परिवार है, शायद पैसे वाला कोई परिवार होता तो उसकी जल्दी सुन ली जाती। गर्मी से हो गया है, गर्मी के कारण हो गया है, भूख के कारण हो गया है। गर्मी भूख के कारण।